हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग के अभी चैनल पे क्या चल रहे हैं, जो हमारा एग्जाम आने वाला है 14 जनवरी 2023 के लिए, क्वेश्चंस की हमारे यहाँ पे पूरी एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग अपने दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा सीरीज का पार्ट नंबर थर्ड है, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चंस जो हमारी ओवरऑल बुक में से आएंगे उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट फर्स्ट बुक आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के जो भी हमारे यहाँ पे बुक्स में जितने भी चैप्टर हैं उसकी पूरी तैयारी मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, ठीक है। साथ ही साथ हमारी क्या है, क्लासेस चल रही है। लास्ट क्लास में हम लोग लिब्रेफिस अपना कैलसी भी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ पहले मैं आपकी ये सीरीज कंप्लीट करा देता हूँ, जिसमें मैं आपको 200 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं ऑल ओवर एग्जाम के लिए, ठीक है। ऑल ओवर देखा जाए तो हमारे पास 150 प्लस तो लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूं, उसके अलावा मैंने आपको एमएस ऑफिस के भी क्वेश्चंस दे दिए हैं, ओके। तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल मैं आपको देता जा रहा हूं, ठीक है। तो क्लासेस भी चलेंगी और तैयारी भी चलेगी, क्योंकि हमारे पास इस बार टाइम थोड़ा सा कम है, ओके। तो आप जो लोग भी चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओ लेवल गुरु जी को। यहां पर आपको कंप्यूटर बेसिक से एडवांस लेवल का सिखाया जा रहा है, ट्रिपल सी, ओ लेवल, सभी लोग इस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आज हमारा क्या है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आज हमारे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, जो कि रहेगा पार्ट नंबर 4, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट 50 क्वेश्चन बताऊंगा और उसमें आपके ओवरऑल कितने 200 क्वेश्चंस फिर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। तो चलते हैं क्लास की तरफ। यहां पे पहला क्वेश्चन है, यूपीआई स्टैंड्स फॉर, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो सभी लोग जानते हैं यूनिफाइड पेमेंट सर्विस, तो पहला आंसर हमारा ये रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, पोर्ट्रेट इज यूज टू रेफर द पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। वो बता रहे हैं कि पोर्ट्रेट किस तरह के पेज ओरिएंटेशन को रेफर करता है। पोर्ट्रेट मतलब जैसे कि हम लोग इसका अगर प्रिंट प्रीव्यू देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पोर्ट्रेट, ठीक है। अगर हम इसको क्या करेंगे, लैंडस्केप करेंगे, तो इस तरह से मतलब चौड़ाई में होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता है लंबाई में, ओके। तो ये इसमें पूछ रहे हैं कि पोर्ट्रेट किसको रेफर करेगा, वो पूछ रहा है फ्लिप को करेगा, रिवर्स को करेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। देखो वर्टिकल बोलते लंबाई को, हॉरिजॉन्टल बोलते चौड़ाई को, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा आपका, वर्टिकल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूपीआई इज अ पेमेंट सर्विस, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है या दोनों है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसी सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट सिंपल सा हमारा यहाँ पे रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई स्टार्टेड बाय, ठीक है, यूपीआई को किसने शुरू किया, तो बहुत ही सिंपल है, रघुराम जी राजन थे उस टाइम पर, उन्होंने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, उमंग इज इंटीग्रेटेड विद, ठीक है, उमंग किसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो आधार एंड डिजिटल लॉकर, इन दोनों के साथ इंटीग्रेटेड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब नेफ्ट के लिए कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो पहला क्या है, देयर इज नो लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, नेफ्ट ऑपरेट ऑन बेसिस ऑफ पर आवर, नेफ्ट इज पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ फंड ट्रांसफर या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा आएगा, देयर इज नो लिमिट ऑफ द ट्रांजेक्शन लिमिट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉक्स यूजुअली ओवरफ्लो विद द ईमेल, ठीक है, कौन सा बॉक्स हमारा ओवरफ्लो हो जाता है ईमेल में, तो आप लोगों को पता है ये हमारा इनबॉक्स रहेगा, क्योंकि जब इनबॉक्स में हमारे ज्यादा होते हैं तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाता है। नेक्स्ट है आधार, मतलब AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, याद रखिएगा फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बैंकिंग गिव्स परमिशन टू बैंक इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट या ऑल, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑल, सभी हमारी फैसिलिटी देता है। जीमेल इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू, ठीक है, जीमेल किस काम में आता है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह किसके काम में आता है, तो आप लोगों को पता है सर्च फाइल, चेक ईमेल, ठीक है। दूसरा है सर्च वेब पेज, तो बहुत ही क्लियर है यहाँ पे, ना ही वेब पेज से कोई मतलब है, ना ही फाइल से कोई मतलब है, मतलब हमारा किससे है यहाँ पे, चेक ईमेल से। नेक्स्ट है हु क्रिएटेड बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन को किसने बनाया, तो जो बिटकॉइन बनाया था वो हमारा बनाया था सतोशी, ठीक है, और नाकामोटो ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ईमेल यूटिलिटी, ठीक है, ईमेल यूटिलिटी का एग्जांपल क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आउटलुक है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो ईमेल यूटिलिटी का एग्जांपल है, ठीक है। एक्चुअली आउटलुक क्या होता है, आउटलुक हमें एमएस ऑफिस प्रोवाइड कराता है, जिसमें हम अपनी ईमेल को क्या कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, तो हम लोग उस आउटलुक भी एक तरह से मेल सेंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लाइंट के फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन इज नॉट अ आईओटी एलिमेंट, ठीक है, कौन सा आईओटी का एलिमेंट नहीं है, सिक्योरिटी जो है प्रोसेस है, आई थिंक प्यूपल नहीं है, ठीक है ना, प्यूपल का कोई रोल नहीं है आईओटी में, बाकी सबका तो रहेगा। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ बिट्स इन अ कंप्यूटर दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन और डेटा, ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं वो क्या कहलाएगा हमारा, तो उसका आंसर आएगा हमारा बाइट, ठीक है, ग्रुप ऑफ बिट इन अ मेमोरी दैट इज रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन और डेटा, तो वो क्या कहलाता है हमारा, बाइट कहलाता है। नेक्स्ट है द डिवाइस कनेक्टेड टू आईओटी बेस्ड ऑटोमेटेड एंड नॉट कॉल्ड बाय द ह्यूमन, तो इसको इस तरह के डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मशीन टू मशीन, ठीक है, जो हमारा इसमें ह्यूमन वो नहीं है। विच वन एप्लीकेशन हु गिव परमिशन टू यूजर टू क्रिएट एंड एडिट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, कौन हमें ये वाली परमिशन देता है, तो आपको पता है वर्ड प्रोसेसर,
नेक्स्ट है व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी किस पे काम करती है, वो हमारी काम करती है पी टू पी नेटवर्क पर। ठीक है, लास्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन है, तो मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोग सभी लोगों को क्वेश्चंस बहुत अच्छे से नोट कर लेने हैं, ठीक है, और इनको लर्न कर लेना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। ओके, बाकी हमारी क्लासेस तो चली रही है, क्लासेस के साथ साथ तैयारी भी चल रही है, तो बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रीड ओनली इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर हु इज स्टोर। ठीक है, तो कौन स्टोर करता है यहाँ पे, जो यहाँ पर रोम की बात चल रही है, ठीक है, रीड ओनली की बात चल रही है, तो यहाँ पर कौन करेंगे, इंजीनियर हो गया या मैन्युफैक्चरर्स भी रहेंगे। टू रीड ओनली इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर हु इज स्टोर्ड बाय इंजीनियर। ठीक है, अगर रोम की बात होती तो यहाँ पर हम लोग लगाते मैन्युफैक्चरर। ओके, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात होती है, रोम लगा देंगे, तो हम लोग यहाँ पे आंसर बदल के मैन्युफैक्चरर्स पे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू टोटल लाइन वर्ड एंड कैरेक्टर इन एनी फाइल, तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्ड काउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। टू एंटर डेटा इन कंप्यूटर थ्रू माउस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, किस तरह का एग्जाम्पल रहेगा वो हमारा, जो इसका एग्जाम्पल रहेगा वो हमारा रहेगा इंस्ट्रक्शन बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है ना, टू एंटर डेटा इन कंप्यूटर थ्रू माउस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, इनडायरेक्ट इनपुट से कोई मतलब नहीं है, कमांड का भी कोई रोल लेंगे, इस वजह से इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यूजली मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल रन्स ऑन, ठीक है, वो बता रहा है कि जो मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है ये किस पर हमारी रन होती है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, सिग्नलिंग सिस्टम। ठीक है, सिग्नल वगैरह होती है उससे रिगार्डिंग ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कमांड इज यूज टू डिलीट फाइल, तो जो डिलीट फाइल करने की कमांड कौन सी होती है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो जो कमांड होती है वो डिलीट इरेज के नहीं है, आरएम कमांड उसमें हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई, ठीक है, ओएसआई का फुल फॉर्म क्या, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच वन इज द नॉट वैलिड ट्रांसमिशन इन ट्रांसमिट डायरेक्शन, ठीक है, डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स डबल डुप्लेक्स, तो देखिए ये तो तीनों होते हैं, बट जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डबल डुप्लेक्स कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्प्रेडशीट लेटर इज यूज टू रिप्रेजेंट, ठीक है, लेटर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पूछा ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, या फिर कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हमारे जो लेटर की बात हो रही है एबीसी यू ऊपर लिखा होता है, जो हमारा कैलसी चल रहा है आप लोगों ने देखा होगा कैलसी में, इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे आपको चलिए कैलसी है, चलिए एक्सेल पे बता देता हूँ, एक्सेल ओपन करके बताता हूँ, जो बोल रहे हैं लेटर होते हैं क्योंकि नंबर्स होते हैं लेटर होते हैं, ये इसकी किसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कॉलम को, इसके रिगार्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा कॉलम इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी लेयर प्रेजेंट इन ओएसआई, तो ओएसआई में हमारी 7 लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो ओएसआई मॉडल है उसमें हमारी 7 लेयर प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी, तो पीओपी को फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, सिंपल क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज स्टार्टेड इंटरफेस फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा RS232C, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ पीओपी, तो पीओपी का जो पोर्ट नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो लर्न कर लीजिएगा 110 इसका पोर्ट नंबर होता है। नेक्स्ट है विच कमांड यूज टू रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, तो RMDIR, ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग डेटा इन कंप्यूटर नेटवर्क एक्सपोज्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल इंटरफेस, ठीक है, तो इसमें रहेगा आपका ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सी होती है, तो इसको याद रखिए HDLC बोलते हैं, हाई लेवल डेटा लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, P2P नेटवर्क मैश, तो P2P कोई टोपोलॉजी नहीं होती हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, अभी हम लोग ये टोपोलॉजी भी कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमें रिकॉग्नाइज विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले करंट रनिंग प्रोसेस, ठीक है, किसके द्वारा हम लोग करंट रनिंग प्रोसेस को देख सकते हैं, तो होता है PS। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज दैट डिवाइस हु लिंक टू द टू होमोजेनियस पैकेट ब्रॉडकास्ट लोकल, ठीक है, इसमें पूछना है किसके द्वारा हम लोग पहचानेंगे, तो पहला दिया ना गेटवे, दूसरा दिया ब्रिज, तीसरा दिया राउटर, तो आंसर रहेगा इसका ब्रिज। नेक्स्ट है इन विच कम्युनिकेशन मेथड वी कैन ट्रांसमिट डेटा इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में किस कम्युनिकेशन मेथड के द्वारा हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच नंबर सिस्टम इज कैलकुलेट एंड स्टोर, तो आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं द बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर, ठीक है, तो 2 होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एलोकेटेड मेमोरी रिसोर्स फॉर द नेटवर्क, ठीक है, कौन ये काम वहां पे करता है, तो इसमें आएगा सर्वर का काम रहता है नेटवर्क में। हाउ मेनी वर्जन अवेलेबल इन IP एड्रेस, तो आप लोगों को पता है 2 वर्जन होते हैं IPv4 और IPv6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर मेनली यूज टू हेल्प यूजर टू डिटेक्ट एंड अवॉइड वायरस, ठीक है, आप लोग पता है कौन सा सॉफ्टवेयर इसका यूज करता है हमारा, तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन टीसीपी आईपी मॉडल बट इंक्लूड इन ओएसआई। ठीक है, ओएसआई में है तो इसका जो आंसर रहेगा आपका एक्चुअली पहले आप लोग के सिलेबस में था बट ये अब सिलेबस में नहीं रहा, टीसीपी आईपी अभी हमारी फोर्थ बुक में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लेकिन रहेगा इसका सेशन लेयर है ऐसे। कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट इंटरलिंक को, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो भी कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक होते हैं ये अपना कहां पर इंटरलिंक होते हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारा सिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डोमेन। ठीक है, तो देखिए कैरियर्स नॉलेज डबल कॉलन कैरियर्स नॉलेज डॉट इन कैरियर को डॉट इन कैरियर्स नॉलेज डॉट को डॉट इन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा जो हमारी वेबसाइट है उसी का भी क्वेश्चन है ये। तो क्या आएगा, इनकरेक्ट बोला है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट में देखेंगे तो करेक्ट तो यहाँ पे दो है, इनकरेक्ट बोला गया है इसलिए इनकरेक्ट में ये आएगा। अगर करेक्ट देखा जाए तो दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनएस ट्रांसलेट टू डोमेन। ठीक है, डीएनएस ट्रांसलेट टू डोमेन में रहेगा वो हमारा आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा इसमें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय। ठीक है, द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय यूआरएल प्रोटोकॉल या फिर आईपी आई है, तो ये हमारा आएगा यूआरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म है एचटीटीपी, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डायरेक्ट याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें सॉलिकेटिंग बोल रहा है, डॉस अटैक बोल रहा है, फिशिंग बोल रहा है या फिर नन ऑफ दिस बोल रहा है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डॉस अटैक, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ कंप्यूटर, तो डॉस अटैक। नेक्स्ट है विच वन इज नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल यहाँ पे मेमोरी की बात कर रही है, तो यहाँ पे वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, रैम होती है, और नॉन वॉलेटाइल क्या होगी हमारी इसमें, रोम रहेगी, जिसमें डेटा हम लोग एक बार लिख देंगे तो एरिया हम लोग यूजर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सर्वर इज यूज टू एज अ प्रॉक्सी कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे पूछा सर्वर इज यूज एज अ प्रॉक्सी कंप्यूटर, तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका विद एक्सटर्नल एक्सेस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे लैन यूजर के परमिशन कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा, तो किसकी होगा इसमें हमारा फाइल सर्वर। ओके, तो आज भी हमारे कितने हो गए 50 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम लोग ओवरऑल देखा जाए बुक से तो 150 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए आए थे, जिन्होंने पहली बार विजिट किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, तो ओवरऑल 200 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जिन्होंने प्रीवियस क्लास की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने टॉप 100 लिब्रे ऑफिस के बताए हैं, टॉप 30 कैलसी भी बताया है मैंने, ठीक है, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को राइटर के भी टॉप 30 प्लस क्वेश्चन दिए, तो वो लोग भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख ले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।